हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITTech हिंदी हब वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा होम टैब में आने वाले एडिटिंग ग्रुप के शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शन के बारे में। तो इसमें आज मैं कंप्लीट शॉर्टिंग ऑप्शन आपके लिए कवर करने वाला हूं। इसमें मैं आपको चारों ऑप्शन आज बताने वाला हूं कि सिंपल शॉर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, मल्टी लेवल शॉर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट शॉर्टिंग क्या होती है, अपनी खुद की कस्टम लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि वीडियो के अंत तक आते आते आप ये सब कुछ आसानी से सीख पाए, आप इसको फिर आगे चलकर यूज कर पाएंगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ सिंपल शॉर्टिंग। देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक टेबुलर डाटा दिखाई दे रहा होगा। ये डाटा आपको यहाँ पर देखिए, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको नाम के अकॉर्डिंग ये डाटा शॉर्ट करना है, तो आप चाहते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम के अकॉर्डिंग ये डाटा शॉर्ट हो जाए, तो बहुत ही आसान है। आप इसके कॉलम पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्टिंग फिल्टरिंग के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको दो ऑर्डर मिलेंगे, ए टू जेड और जेड टू ए। ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपको ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, आपको ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आप सप्लायर आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। रही बात डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर आप सप्लायर आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है जेड टू ए। तो ये होता है डाटा को शॉर्ट करने का तरीका। अगर आप इसे सिंपल तरीके से शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे आप इसकी शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर आने वाले सेकंड ऑप्शन के बारे में, दैट इज नोन एज अ कस्टम शॉर्ट। तो देखिए, कस्टम शॉर्ट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें इसके अंदर मल्टी लेवल शॉर्टिंग करना हो। जरा इस डाटा को आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर काफी सारा डाटा दिखाई दे रहा होगा, 7 कॉलम है इस डाटा के अंदर। तो मैं इस डाटा को प्लान आईडी के अकॉर्डिंग लास्ट नेम को शॉर्ट करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्लान आईडी के अकॉर्डिंग लास्ट नेम शॉर्ट हो जाए, यानी सबसे पहले प्लान आईडी शॉर्ट होना चाहिए। जो भी डाटा प्लान आईडी का शॉर्ट होकर आएगा, उसके अंदर जो भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम होगा वो शॉर्ट होना चाहिए। गॉट इट? तो ये काम आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेना है। इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करिए आप कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिए। अब आपको जाना है शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पे, उसके बाद यहां से आपको कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करना है। तो यहां से आपको इस तरह का एक विंडो दिखाई देगा। तो यहां देखिए, सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करेंगे, प्लान आईडी, क्योंकि सबसे पहले मुझे प्लान आईडी को शॉर्ट करना है। तो यहां पर आप शॉर्ट करेंगे सबसे पहले प्लान आईडी। अब यहां पर एक ऑर्डर लेंगे, क्या ऑर्डर आप चाहते हैं। हम यहां पर ऑर्डर चाहते हैं स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, यानी जिसकी प्लान आईडी सबसे छोटा है वो सबसे पहले आना चाहिए। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब प्लान आईडी के बाद आप क्या शॉर्ट करना चाहते हैं, प्लान आईडी के बाद हम लास्ट नेम को शॉर्ट करना चाहते हैं रिकॉर्ड में, तो आप यहां पर एक बटन आपको दिखाई देगा एड लेवल, आप इस बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पैनल और खुल जाएगा। यहां से आपको सिलेक्ट करना है लास्ट नेम, उसके बाद यहां से आपको ऑर्डर लेना है ए टू जेड। अब आप इसे कर दीजिए ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं ये मल्टी लेवल शॉर्टिंग कैसे हुआ। तो यहां पर देखिए, प्लान आईडी आपकी ये डाटा देखिए शॉर्ट हो चुका है, पहले वन का डाटा आ रहा है। अगर मैं इस वन के डाटा को ध्यान से देखूं तो इस डाटा में जो लास्ट नेम है वो भी शॉर्ट हो गए। देखिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले बी का रिकॉर्ड आ रहा है, फिर के एल एम लाइक दिस वे। अब आप रिकॉर्ड नंबर टू को भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। देखिए, ये रिकॉर्ड नंबर टू है, लेकिन इस रिकॉर्ड नंबर टू के अंदर जो लास्ट नेम है वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखिए शॉर्ट हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल शॉर्टिंग। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कस्टम लिस्ट। देखिए, कस्टम लिस्ट में किस तरीके से शॉर्टिंग की जाती है। आपको यहां पर एक डाटा दिखाई दे रहा होगा, इस डाटा में आपको मंथ ऑफ ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है, दिस वन। अब अगर कोई आपको बोलता है कि मंथ ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से डाटा को शॉर्ट कर दीजिए, तो मंथ के अकॉर्डिंग सबसे पहला मंथ कौन सा आता है, जनवरी आता है। बट अगर आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड की सीरीज में अगर शॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर अप्रैल आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि कंप्यूटर की नजर में शॉर्टिंग का मतलब ए टू जेड या जेड टू ए होता है, उसकी नजर में जनवरी फरवरी नहीं होता है। तो आप इसको मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, चलो देखते हैं। सबसे पहले पूरा टेबल सिलेक्ट कर लीजिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल ए, उसके बाद आपको यहां पर जाना है और यहां से आपको क्लिक करना है कस्टम शॉर्ट। जैसे आप कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, यहां से आपको कॉलम बताना है कि किस कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमें यहां पर लेना है कॉलम मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद आपको यहां शॉर्ट करनी है उसकी वैल्यूज। तो वैल्यूज यहां पर बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा। अब यहां पर आप ऑर्डर पे जाएंगे और यहां से आप क्लिक करेंगे कस्टम लिस्ट। अगर आपने ए टू जेड या जेड टू ए सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, ये इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाटा शॉर्ट नहीं करना है, आपको क्लिक करना है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की लिस्ट आ जाएंगी। तो यहां पर प्री डिफाइंड कुछ लिस्ट है, जैसे मंडे टू संडे आपको दिख रहा होगा, यहां पर जनवरी टू दिसंबर की लिस्ट है, बाकी भी और सारी लिस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी।
तो आपको यहाँ से एक ऐसा लिस्ट सिलेक्ट करना है जो आपके इस डाटा को फिट करे। तो जैसे कि यहाँ कंप्लीट मंथ लिखे हुए हैं, तो ये लिस्ट आप देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये देखिए। और यहाँ पर एक लिस्ट का पूरा ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको यहाँ से करना है ओके। जब आप इसको ओके करेंगे तो वो आपके डाटा को इस ऑर्डर में अरेंज कर देगा जो ऑर्डर आपको यहाँ पर लिस्ट एंट्रीज में दिखाई दे रहा है। आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से आप कंफर्म कीजिए ओके। अब आप देखिए आपका पूरा डाटा अरेंज हो चुका है, जनवरी, देन उसके बाद फरवरी का डाटा है, उसके बाद मार्च का डाटा है, लाइक दिस वे। तो इसको हम बोलते हैं कस्टम शॉर्टिंग। ओके दोस्तों, इस बार मैं आपको सिखाता हूं कि आप कस्टम लिस्ट शॉर्टिंग कैसे करेंगे। ऐसा डाटा आपको शॉर्ट करना है जो आपको लिस्ट में दिखाई ही ना दे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस डाटा को शॉर्ट करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन की कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि डाटा इस ऑर्डर में शॉर्ट होकर आना चाहिए। सबसे पहले बेनिफिट स्पेशलिस्ट का रिकॉर्ड आना चाहिए, उसके बाद फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का रिकॉर्ड आना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनर का रिकॉर्ड आना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले पूरा टेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस डाटा को भी आप कॉपी करके रखिए क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो मैं डाटा कॉपी करके रखता हूं, देखिए। अब आपको इस टेबल को कर लेना है सिलेक्ट। ऐसे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पे जाएंगे यहां पर, और यहां पर जाने के बाद आपको कस्टम शॉर्ट पे जाना है। यहां कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद आपको कॉलम सिलेक्ट करना है डेजिग्नेशन, उसके बाद आप ऑर्डर पे जाएंगे और यहां पर क्लिक करेंगे कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट पे जाने के बाद आपको ये वाली लिस्ट सर्च करनी है, क्या इस तरह का कोई डाटा यहाँ मौजूद है। ऐसा कोई डाटा आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस ऑर्डर की लिस्ट खुद से बना लीजिए। न्यू लिस्ट पे जाइए, यहाँ पर आपके सामने एक एंट्री पॉइंट खुल जाएगा। यहाँ पर आप एक एक करके वो लिस्ट का डाटा एंटर कर दीजिए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं ये डाटा यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मेरा डाटा यहाँ पर एंटर हो चुका है, मैंने डाटा एक एक करके यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको इसे कर देना है ओके। ओके करने के बाद वो लिस्ट यहां पर ऐड हो जाएगी। अब आप जैसे ही इस डाटा को यहां से ओके करेंगे, लिस्ट को ओके करेंगे, आपको वो डाटा इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले रिकॉर्ड आपको बेनिफिट स्पेशलिस्ट का दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको रिकॉर्ड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का दिखाई देगा, उसके बाद रिकॉर्ड आपको प्रोडक्ट डिजाइनर का दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शॉर्टिंग के सभी ऑप्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइंड एंड सिलेक्ट के सभी ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए मेरी वीडियो का अगला पार्ट जिसमें आप इसको अच्छे से जान सकेंगे। चलिए, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।